हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं सुरेश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है आपका रिलेशन, जो सेकंड चैप्टर है। पहले मैंने सेट्स आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो सेट्स को आप एक बार अच्छे से देख भी लीजिएगा। वैसे सेट्स से रिलेटेड कुछ जो कैलकुलेशंस हैं, कुछ जो ऑपरेशन हैं, उनको मैं अभी आपको समझा भी दूंगा, क्योंकि उसका रिलेशन में यूज पड़ने वाला है। और ये रिलेशन में क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए नहीं, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अगर क्लास 11th में रिलेशन ठीक से नहीं पढ़ा था, तो पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर क्लास 12th का रिलेशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो क्लियर है, हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और रिलेशन चैप्टर का ये पार्ट वन है, और इसको आप अच्छे से समझिएगा। और डेफिनेटली इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का नोट्स मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप घर पे बैठिए, आराम से पढ़िए, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका सारा। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो आपका मिस नहीं हो। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का जो चैप्टर रिलेशन है। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि डिफिनेशंस वगैरह पढ़ना और डिफिनेशंस लिखना ये तो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तो डिफिनेशन लिखकर डिफिनेशन याद करवाना मेरा ड्यूटी नहीं है। समझना जरूरी है कि रिलेशन कहते किसको हैं। तो जनरल लाइफ में, अगर जनरल लाइफ की बात करें कि जनरल लाइफ में अगर कभी भी रिलेशन डिफाइन करना हो, तो डिफाइन हम लोग रिलेशन हमेशा दो पर्सन के बीच में करते हैं। टू पर्सन्स होने चाहिए रिलेशन डिफाइन करने के लिए। अब जैसे एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण है, तो दो पर्सन हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ब्रदर का रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन कभी भी डिफाइन करने के लिए दो पर्सन का होना जरूरी है हमेशा। बिना दो पर्सन के हम लोग रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में हमेशा रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो हम लोगों को नंबर्स चाहिए, दो नंबर्स के बीच का ही रिलेशन को हम लोग को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे सेट्स का यूज होने वाला है। सेट्स मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ा दिया है सेट्स, तो आप जाकर वैसे वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सेट कहते किसको हैं, तो बहुत सारे डाटा को एक जगह जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको हम लोग सेट कहते हैं। अब जैसे दो फैमिली है, मान के चलिए एक फैमिली ए और एक फैमिली बी है। फैमिली ए में कुछ पर्सन हैं, एक पर्सन है एक्स वाई जेड। फैमिली बी में एक पर्सन है पी, एक पर्सन है क्यू और एक पर्सन है आर। तो क्लियर है, इस फैमिली में तीन पर्सन है, इस फैमिली में भी तीन पर्सन है, मे बी इसमें चार पर्सन भी हो सकते थे। इन दोनों फैमिलीज में, इन दोनों परिवार में, दोनों परिवार एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मतलब एक ज्वाइंट फैमिली की तरह है। ये दोनों न्यूक्लियर फैमिलीज है, दोनों फैमिलीज में लोग एक दूसरे से। अब क्लियर है कि एक्स का पी के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। हो सकता है एक्स पी का चाचा हो सकता है एक्स जो है पी का ब्रदर हो, या फिर हो सकता है एक्स जो है आर का अंकल हो, यानी समथिंग जो भी रिलेशन हो सकता है हम लोग का। तो डिफरेंट रिलेशंस एक्स का पी के साथ भी हो सकता है, एक्स का क्यू के साथ भी हो सकता है, एक्स का आर के साथ भी, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। उसी तरीके से वाई का भी पी के साथ, वाई का क्यू के साथ, वाई का आर के साथ रिलेशन होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई। अब ये फैमिली है और ये फैमिली है, इस फैमिली में तीन मेंबर हैं, इस फैमिली में तीन मेंबर हैं, तो ये इसका अगर चाचा लगता है तो कोई किसी का मामा भाई दादा सब तो लगेगा ही ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ रिलेशन में जुड़ा हुआ है। जड का भी पी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, ये इसका चाचा मामा जो भी हो। जड का रिलेशन क्यू के साथ भी होगा और जड का रिलेशन आर के साथ भी होगा। तो क्लियर है, इन दो फैमिलीज में, दोनों फैमिलीज में, इसमें भी तीन मेंबर्स थे, इसमें भी तीन मेंबर्स थे, सबका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन था। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इन दोनों फैमिलीज में, इस फैमिली में तीन मेंबर थे, इस फैमिली में भी तीन मेंबर थे, तो टोटल मैक्सिमम कितना रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसमें कितने मेंबर्स थे, तीन, इसमें कितने मेंबर्स थे, तीन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9, यानी मैक्सिमम 9 रिलेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्स का पी के साथ कोई रिलेशन होगा, एक्स का क्यू के साथ कोई रिलेशन होगा, एक्स का आर के साथ कोई रिलेशन होगा, सो ऑन, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी रिलेशन होगा। तो टोटल 9 रिलेशंस मैक्सिमम यहाँ पे बनते हैं। तो रिलेशन बनाने के लिए क्लियर है कि जिस तरीके से मैंने दो एग्जांपल दिया था, दो फैमिली का, तो दो फैमिली की बात नहीं करते हम, तो क्लियर है मैथमेटिक्स में दो सेट्स होना चाहिए। जैसे एक सेट ए है, तो सेट ए में 1, 2, 3 एंड समथिंग कोई भी तीन नंबर है। सेट बी हम लोग मान सकते हैं कि सेट बी में भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 4 और 5 दो नंबर्स हैं, और सेट ए का सेट बी के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, हो सकता है बी का ए के साथ कोई रिलेशन हो। तो कभी भी सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन, और एक बात याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि ए का बी के साथ जो रिलेशन हो बी का ए के साथ वही रिलेशन होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। अब क्लियर है, आपसे अगर कोई पूछे कि राम का दशरथ के साथ जो रिलेशन क्या है, दशरथ का राम के साथ वही रिलेशन है, नहीं, लिखने के क्रम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्या कि राम इज सन ऑफ दशरथ, लेकिन जब उल्टा लिखेंगे तो उल्टा ये नहीं लिख देंगे कि दशरथ इज सन ऑफ राम, दशरथ इज फादर ऑफ राम, यानी थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, जरूरी कि इसका रिलेशन इसके साथ जो हो उसका उसके साथ वही रिलेशन होगा, रिलेशन चेंज पलट जाएगा, चेंज हो सकता है रिलेशन।
ठीक है, तो क्लियर है, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में हमारा 3 नंबर्स है, सेट बी में हमारा 2 नंबर्स है। अब सेट ए से सेट बी में टोटल मैक्सिमम कितने सारे रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पहले आप कैलकुलेट करिए कि सेट ए में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 3। सेट बी में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 2। सेट बी में टोटल 2 नंबर्स हैं। तो क्लियर है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना हो तो आपका आंसर हो जाएगा 3 2 0 कितना, 6। अब है कि टोटल 6 रिलेशंस यहाँ पे क्रिएट होंगे और इन मैक्सिमम 6 रिलेशन, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम 6 रिलेशंस क्रिएट होंगे। इन 6 रिलेशंस को हम किस तरीके से लिखेंगे, कभी भी दो सेट्स के बीच के एलिमेंट्स के बीच में जो मैक्सिमम कितने रिलेशन सेट होंगे, उन सारे रिलेशंस को हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके लिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका साइन होगा ये क्रॉस। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको आप क्रॉस पढ़ेंगे। यानी अगर सेट ए है और सेट बी है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी दो सेट्स है, दोनों सेट्स के बीच में टोटल मैक्सिमम कितने रिलेशंस हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए पहले ये डिसाइड करने का करना पड़ेगा हम लोग को कि सेट ए का बी के साथ रिलेशन फाइंड करना है आपको, या बी का ए के साथ रिलेशन फाइंड करना है। अगर ए का बी के साथ रिलेशन फाइंड करना है तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, और सेट बी का अगर सेट ए के साथ रिलेशन फाइंड करना है तो हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी एक दूसरे का इक्वल नहीं होगा, रेयर केसेस में ही इक्वल हो सकता है जब ये दोनों का दोनों सेट ही क्या रहे, इक्वल रहे, तो ये तो यूनिट मतलब आइडेंटिटी सेट के लिए हो गया। अब है हमारा कि ए है बी है, सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, बी में 4 5। तो पहले इसको लिख लेते हैं जरा, 1 2 3 क्रॉस बी में क्या था, 4 और 5। तो यानी अगर कोई पूछे आपसे कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो पहले 1 का रिलेशन किसके साथ लेंगे, 4 के साथ। यानी हम रिलेशन को लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1, 4, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ। फिर 1 का किसके साथ, 5 के साथ, 1 4 1 5। फिर 2 का रिलेशन लेते हैं दोनों के साथ, 2 4 2 5। फिर 3 का रिलेशन दोनों के साथ लेते हैं, एक बार 3 4, एक बार 3 5। यानी इससे ज़्यादा रिलेशन तो नहीं बन सकता है। टोटल कितने सारे रिलेशंस बने, 1 2 3 4 5 और 6, मैक्सिमम 6 रिलेशंस बन सकते हैं। अब जरा बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, तो बी में हमारा है 4 5 का क्रॉस निकालेंगे हम ए के साथ, यानी 1 2 3 के साथ। तो बी क्रॉस ए अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा क्या क्या आंसर आ सकता है, एक बार 4 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, यानी 4 1 4 2 4 3, उसके बाद 5 1 5 2 5 3। तो इस तरीके से यहाँ भी टोटल 6 रिलेशंस हैं, और आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है वो डेफिनेटली इक्वल नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के। यानी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के। यानी ए क्रॉस बी टोटल मैक्सिमम रिलेशन शो कर रहा है, कहाँ से कहाँ, ए से बी के बीच का रिलेशन, और ये किसके बीच का रिलेशन शो कर रहा है, बी से ए के बीच का रिलेशन। तो याद रखिएगा, सेट ए से सेट बी का अगर रिलेशन बोल रहा है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, और सेट बी से सेट ए का रिलेशन अगर कह रहा है तो हम लोग बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम कितना रिलेशन हो सकता है ये आपको बता दिया, और जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कैलकुलेशंस क्या होगा आपका, तो क्लास ये जो आपका क्लास 11th में जो आपने सेट पढ़ा था और आपने जो रिलेशन पढ़ा था, इन दोनों को मिक्स करके बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने रह सकता है। जैसे आपने पढ़ा था, मैं थोड़ा एक बार डिटेल में फिर से बता देता हूँ आपको, कि आपने एक सेट्स में पढ़ा था कुछ ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि ये था इंटरसेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, तो आपको जरा इंटरसेक्शन का ख्याल रखना है। ये था आपका यूनियन, यूनियन का ख्याल रखना है, और ये था डिफरेंस। तो डिफरेंस यानी हम लोग ये 3 रिलेशंस को एक बार फिर से ज़्यादा रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसका हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। तो जरा सेट ए है, जैसे मान के चलिए एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी है और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 2 3 5 7 एंड 9। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सेट ए दे दिया और सेट बी दे दिया, और आपको कह रहा है कि सेट ए का यूनियन निकालिए किसके साथ, सेट बी के साथ, यानी फाइंड ए
सेट ए यूनियन, यू लिखने का मतलब ये यूनियन, कि सेट ए यूनियन सेट बी आपको फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी निकालने का तरीका क्या है कि ए का पूरा एलिमेंट्स को आप ध्यान से देख लीजिए, बी के एलिमेंट्स को पूरा को ध्यान से देख लीजिए, और सबको मिक्स करके सारा एलिमेंट्स लिखिए आप, जिसमें ना इसका कोई एलिमेंट छूटना चाहिए ना इसका कोई एलिमेंट छूटना चाहिए। और इसमें अगर कोई नंबर जैसे 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, इसका मतलब ये नहीं कि 3 दो बार लिख देंगे, हम लोग सारे नंबर्स को लिखेंगे जिसमें ये पूरा भी कवर हो जाए और ये पूरा भी कवर हो जाए, तब यूनियन निकलेगा। अब जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें का सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया, और बच कौन रहा है 2, 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, 3 भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 4 नहीं था फिर भी हम लिख चुके हैं यहाँ से, 5 भी हम लिख चुके हैं, 7 नहीं लिखा है हमने तो 7 लिख लेंगे, और 9। यानी यहाँ पे जो नया सेट निकला हमारा, इस सेट में ये पूरा इसका भी सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसका भी सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में ही क्या 1 कॉमन है, नहीं 2 कॉमन है दोनों में। क्या 3 दोनों में कॉमन है, हाँ 3 भी कॉमन है। क्या 4 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है दोनों में। क्या 6 कॉमन है, नहीं है। 7, 8, 9 कोई कॉमन नहीं है। तो यानी टोटल इसमें 3 एलिमेंट्स ही कॉमन थे, तो उसको हम लोग इंटरसेक्शन में लिखेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ए माइनस बी आप कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब अलग होता है, ये दोनों सेम नहीं है। तो a माइनस बी मतलब, a माइनस बी का मतलब हुआ a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है। सिंपली अच्छे से समझिए इसको, a माइनस बी मतलब a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a का कौन कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, 1 b में नहीं है, तो एक आंसर हो गया क्या 1। 2 है b में, ठीक है। 3 भी है, 4 b में नहीं है, तो हम लोग एक 4 लिखेंगे। 5 भी बी में है, तो यानी कहने का ए माइनस बी का मतलब ही क्या है कि पहला वाला का वो एलिमेंट सारा जो सेकंड वाले में नहीं हो। अब हम लोग बी माइनस ए फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग बी का वो एलिमेंट चुनेंगे जो ए में ना हो। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 7 और 9। तो क्लियर है, इन कैलकुलेशंस को, इन ऑपरेशंस को आप अच्छे से समझ के रखिएगा, क्योंकि ये हमारा ऑपरेशंस अभी आगे भी काम आने वाला है। तो आगे अभी हम लोग जो क्वेश्चंस, आपका अगर आपके सामने कोई भी बुक है, आपके पास आर एस अग्रवाल का बुक है, किसी सना का बुक है, एनसीईआरटी बुक है, आप किसी भी बुक का क्वेश्चंस बनाना शुरू कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला। अगर डाउट होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा डाउट्स, मैं उनको डेफिनेटली क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कुछ क्वेश्चंस को बताता हूं, आप जरा उसे ध्यान से देखिए। हाँ, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में एक सेट, 3 सेट्स है हमारे पास, एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी है। सेट ए में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 3। सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, 4 और 5। सेट सी में 2 एलिमेंट्स हैं, 5 और 6। ये 3 सेट्स आपके सामने हैं। क्या पूछ रहा हूँ मैं, पहला कि ए क्रॉस बी यूनियन सी आपको फाइंड करना है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो जरा बी यूनियन सी आपको फाइंड करना आता है, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड कर, पहले बी यूनियन सी जरा फाइंड कर ही लेते हैं। बी और सी दो सेट आपके सामने है, ये दोनों सेट को ही मिक्स करके, जस्ट मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है दोनों के ही एलिमेंट्स आने चाहिए पूरे में। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा हमारा, 4, 5, 5, 6। तो यानी कि 4, 5 और इसमें का 5 तो एक बार लिख चुके हैं हम, 6। यानी कि बी यूनियन सी हमारा क्या आ गया, 4, 5, 6। अब जब बी यूनियन सी तुम फाइंड कर चुके हो, तो अब निकालो ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो क्या होगा हमारा आंसर, पहले ए लिख लेते हैं, ए क्या है हमारा 2, 3 का क्रॉस निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी क्या है हमारा, 4, 5, 6। तो आप इजिली अब यहाँ के बाद रिलेशन फाइंड, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना मैंने बताया था, पहले क्या लिखेंगे 2, 4, फिर 2, 5, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 6। और ये एक 2, 5 हमने लिखा था और 2, 6 छूट रहा था, तो यहाँ 2, 6 भी लिख लेंगे हम लोग। और तो हमारा कितना हो गया 2, 4, 2, 5, 2, 6, ये तीनों कवर हो गया हमारा। 3, 4, 3, 5, 3, 6, ये तीनों कवर हो गया। तो टोटल कितने सारे हो गए मैक्सिमम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 रिलेशंस यहाँ पे बन गए हमारे इन दोनों सेट्स के बीच में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है ए माइनस
बी इंटरसेक्शन सी, ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। तो क्लियर है, पहले ए लिख लेते हैं, ए क्या है हमारा 2 और 3 है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको भी पहले बताया था कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो जरा बताइए कि बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 5। अब मैंने बताया था कि ए माइनस बी यानी बी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब दो सेट्स के बीच में अगर डिफरेंस पूछ रहा हो तो इसका आंसर वही होगा कि पहले वाले सेट का वो एलिमेंट जो सेकंड में नहीं हो, तो पहले वाले सेट का तो कोई भी एलिमेंट सेकंड में नहीं है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 2 और 3, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसको डेफिनेटली किसी भी बुक से उठाकर बना सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप डेफिनेटली बनाइए। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा क्वेश्चन आप बना लीजिए, और जो प्रॉब्लम होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा।